राजनीति करने वाले बछवाड़ा से विधायक रहे आदरणीय उत्तम यादव जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में उपस्थित उनको जानने वाला सहृदय समाज, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महुआ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश रोशन जी, समाजवादी आंगन में पले बढ़े और इस सूबे की खिदमत करने वाले तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे गोह के बहुत ही संजीदा विधायक आदरणीय भीम यादव जी, बेगूसराय की बेटी विधान परिषद की सदस्य पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, जिन्होंने चुनाव में बड़ी मेहनत की है और पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों के साथ गठबंधन के पक्ष में संवाद किया, शशि शेखर राज जी, उपेंद्र यादव जी, वरिष्ठ साथी श्याम दास जी, विद्या ब्रह्मचारी जी, शैलेन्द्र त्यागी जी, नसीम अख्तर साहब, जाहिद साहब, सद्दाम जी, दिलीप जी, गौरव जी, नीतीश जी, जयप्रकाश जी, वीरेंद्र राय जी, यहां उपस्थित मुखिया जी, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों, आज हम सब लोग उत्तम जी को इसलिए याद कर रहे हैं कि राजनीति के मानवीय, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का जो समावेश उनके व्यक्तित्व में रहा उसको कारजिंदगी उन्होंने निभाया और जो आप देखते हैं नेताओं को, लोगों को लगता है कि बड़ा ही आसान जीवन है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे मुश्किल दिनचर्या, सबसे कठिन जीवन अगर किसी क्षेत्र में किसी को जीना पड़ता है तो राजनीति है। लगातार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और उन्हीं के द्वारा स्वीकृति भी लेनी है, कई बार विचलन भी होता है और इन सब के बीच जियो और जीने दो के उसूल पर चलते हुए विचारधारा की भी खिदमत करना, पार्टी को भी सींचना, सामाजिक काम भी करना, राष्ट्रीय जीवन में योगदान भी देना, तो ये एक कठिन साधना ही है और रोज बरोज लोगों की कसौटी पर, उनके पैमाने पर आपका मूल्यांकन होता रहता है। हमें बहुत इस बात का संतोष है कि हम लोगों के नेता काबूए सियासत लालू जी ने बहुत ही पारखी निगाह के साथ एक से बढ़कर एक लोगों को समाज से तलाशा निखारा और ऊंचाई तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं में से एक थे उत्तम जी और सियासत उनको बदल न पाई, ऐसा उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों ने याद करते हुए बताया। मीर का एक शेर है कि मत सहल हमें जानो, खिड़का है फलक बरसाओ,
मर्द सहल हमे जातो खेड़ता है पलक बरसों तब रात के पर्दे से इंसान निकलता है। तो आदमी से जो इंसान की यात्रा है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है वो दरअसल मनुष्यता का संघर्ष है। सबको मनुष्य समझा जाए इसकी जद्दोजहद। और लालू जी ने हर सामाजिक समूह से उठाकर उन लोगों को सदन पहुंचाए, टिकट देने के बावजूद जो लोग नहीं चुनाव जीत पाते थे विधानसभा का लोकसभा का, उनको विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनाया। एक दो नाम नहीं, राज्यसभा में भी देखेंगे तो परमानंद पासवान जी से लेकर रामदेव भंडारी जी जो पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, जगदम्बी मंडल, विद्यासागर निषाद, कई वैसे ही विधान परिषद में यूनुस वहिया से लेकर भुवनेश्वर मंडल, रामजी शर्मा, न जाने कितने लोग, मुन्नी रजक और उर्मिला जी तो हाल की मिसाल थी। भीम सिंह पहाड़ समाज से होते थे, बहुत लोगों और कमजोर तबके के बीच एक चेतना पैदा करने का काम और आत्महीनता के दौर से निकालकर उनमें आत्मबल और स्वाभिमान भरने का काम, दरअसल यही राजनीति है। चूंकि बेरोजगारी इतनी है कि उसके खिलाफ लोग उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं देश भर में, नहीं तो नौकरी देना जरूरत के हिसाब से संख्या के अनुपात में, चाहे वो शिक्षक छात्र का अनुपात हो, चिकित्सक और मरीज का अनुपात हो, उसको संतुलित करने के लिए नए पद सृजित करना, ये सब तो सरकार का रूटीन का काम है, इसमें कोई वाहवाही की बात नहीं है। हमने अगर 5 लाख नौकरियां दे दी तो इसलिए आपको उल्लेखनीय लगता है और लोगों को लगता है कि बड़ा काम हुआ, क्योंकि ये काम हो नहीं रहा था, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही थी। स्कूल में शिक्षकों के पद खाली पड़े थे, मरीजों का इलाज ठीक से सुदूर के इलाके में नहीं हो रहा था। अब तेजस्वी जी आए, सरकार में शामिल हुए, शिक्षा मंत्री राजद कोटे के थे, तो भाई दोबारा 30 बरस के बाद, लगभग 27-28 साल के बाद फिर से परीक्षा लेकर बाहर नहीं हुए, तो उसकी चर्चा देश भर में होने लगी। तो जब आप चुनते हैं उस सरकार को जिसमें उत्तम यादव जी जैसे लोगों के लिए भी जगह होती है विधानसभा में, जब किसानों के बेटे कानून बनाते हैं तो बदलाव दिखता है, उससे कुछ न कुछ लोगों की परेशानी हल होती है। और एक बात लालू जी लोहिया जी के बोलते हैं कि छोट का राज वोट का राज होने से ही स्थापित होता है, और इसको शरद जी दूसरे तरीके से बोलते थे कि दिक्कत ये है कि हम नेता लोग भारत के बजट पर संसद के बाहर पत्रकारों को प्रतिक्रिया देते हैं। किसानों का बेटा बजट बनाने लगेगा तो प्रतिक्रिया नहीं देनी होगी, बल्कि किसानों को सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी। और बिहार सरकार का बजट, कई राज्यों का बजट तो मुंबई के नगर निगम के बजट से कम होता है। तो जब तक भारत का बजट नहीं बनेगा, और वो बजट बनाया है 3-3 बार बनाया है समाजवादियों ने, चाहे वो 77 में बनाया हो, 89 में बनाया हो, 96 में बनाया हो, दिक्कत ये है कि जो परेशानी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में होगी वही परेशानी पटना की है, वही परेशानी लखनऊ की है, वही गुवाहाटी की, वही दिल्ली की। 3 बार सरकार तो बना ली हमने, लेकिन एक प्रधानमंत्री से काम ही नहीं चलता हमारा। मोरारजी देसाई हैं तो कुछ दिन के बाद चरण सिंह भी होंगे, दीप्ति सिंह जी हैं तो कुछ दिन बाद चंद्रशेखर जी भी होंगे, देवेगौड़ा जी बने तो गुजराल साहब को भी बनाना होगा, और 5 साल के लिए आते तब भी हम पूरी नहीं करते, तो काल कवलित हो जाती है हमारी सरकार। और प्रसूति गृह में नवजात बच्चे को जैसे नमक चटाना बहुत बड़ा अपराध है, वैसे ही जनता के वोटों से बनवी सरकार को 5 साल के पहले मार देना यह भी उतना ही बड़ा पाप है, और इस पाप के भागी नीतीश जी जैसे लोग।
तो हम उम्मीद करते हैं कि इस श्रद्धांजलि सभा के जरिए हम लोग एक बार फिर से उत्तम जी को याद करते हुए संकल्पित हों कि राजनीति जो अपनी स्वायत्तता खोती जा रही है, यहाँ बिचौलिए, दलाल और मध्यस्थ किस्म के लोग इसको नियंत्रित, निर्देशित और संचालित कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, तो एक बार फिर से राजनीति करने वाले लोग, राजनीति जीने वाले लोग और राजनीति में रमने वाले लोग करने लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि उत्तम जी जैसे लोगों की संख्या विधानसभा में बढ़ने लगेगी। ये राष्ट्रीय जनता दल तो एक धारा के साथ आपके सामने है, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की धारा है, आजादी के पहले जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी उस धारा के हिमायती लोग थे, उससे अपने आप को संबद्ध पाते थे, और अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश लोहिया, किशन पटनायक एक बड़ी श्रृंखला है, और वहीं से बनते बिगड़ते टूटते फूटते समाजवादी पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, फिर सोशलिस्ट पार्टी, फिर जो है लोकदल, जनता पार्टी, और एक नहीं कितने टुकड़े उसके हुए, और जनता दल होते हुए आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को एक प्रांजल धारा के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल आप यकीन जाने ना तो सिर्फ लालू जी की पार्टी है, ना राबड़ी जी की पार्टी है, ना तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, ना भीम जी की पार्टी है, ना तो उर्मिला ठाकुर जी की पार्टी है, ना मुकेश रोशन जी की पार्टी है, ना जयंत जिज्ञासु की पार्टी है। ये उन करोड़ों लोगों की पार्टी है जिनके लिए इस दल के दरवाजे कल भी खुले थे, आज भी खुले थे, इस आंगन में आपका हमेशा स्वागत है। आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी है, सबकी पार्टी है, और देश का पहला दल है जिसने अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सांगठनिक चुनाव में आरक्षण दिया 45%। बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना रिजोल्यूशन पास किया था। बाकी अलग अलग विंग में हो सकते हैं फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मेन विंग में आरक्षण देकर उसके पीछे यही धारणा थी, अवधारणा थी कि हम समाज के हर तबके के अंदर से नेतृत्व को उभारना चाहते हैं। अभी किसी साथी ने, किन्हीं ने बताया कि क्या ये सिर्फ MY की पार्टी है, बाकी की जरूरत नहीं। आप जान रहे हैं कि हमारा काम भी लोगों के बीच ठीक से नहीं जाता। जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा टिकट अति पिछड़ों को राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के चुनाव में दिया। नौजवानों को टिकट इतना किसी दल ने नहीं दिया जितना राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। 2015 में 10 महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट राजद ने दिया, 10 में 10 ने जीत दर्ज की। सबसे ज्यादा मुसलमान जीत के राष्ट्रीय जनता दल से आए, और महिलाओं की संख्या टिकट देने के मामले में 2020 में हमने और बढ़ाई। ठीक बात है कि हम उतनी संख्या में नहीं दोबारा जीत के ला सके अपने प्रतिनिधियों को, लेकिन इतना स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी देश की राजनीति को अगले 40 वर्षों तक प्रभावित करेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि दो साबिक वजीर आला के घर में उनकी पैदाइश हुई, बल्कि इसलिए कि वो स्वभावतः बहुत शालीन व्यक्ति हैं, बहुत शिष्ट हैं, बहुत मर्यादा का पालन करने वाले आदमी हैं, और कोई बनावट नहीं है। अगर नाराजगी है किसी बात को लेकर, गुस्सा है तो आपको दिख जाएगा, प्रसन्नता है तो चेहरे से दिखेगा, और हम लोग तो कभी कभी आपस में मजाक करते हैं कि कभी तेजस्वी जी को गुस्सा होते हुए देखें, नहीं रिएक्ट करते बहुत सारी चीजों पर, और छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझाते नहीं है। आपसे और हम सबको आज इस बात का संकल्प लें कि हम एक बड़ी लकीर खींचेंगे, और इस बार के चुनाव में भी जो विमर्श खड़ा हुआ वो बिहार से ही हुआ, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश में भी मिला। एक सशक्त नेतृत्व वहां पर है अखिलेश यादव जी का, और इसी तरह से हम विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोशिश करेंगे कि समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं, आशाओं और उम्मीदों को राष्ट्रीय जनता दल पूरा कर सके, और उत्तम जी जैसे सामान्य पृष्ठभूमि के लोग इस पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा में अपने इलाके की नुमाइंदगी करें। इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका कणे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो अपनी ऊर्जा को नहीं बिखेरना है, उसका समन्वय करना है, उसको एक जगह इकट्ठा करके, और हमारी बंद मुट्ठी खुले नहीं, और उत्तम जी की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए कि वो कहीं गए नहीं हैं, रूपेश हमारे छोटे भाई की तरह हैं और बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के यूथ विंग के प्रदेश महासचिव हैं, और लगातार आपके सुख दुख में शरीक रहते हैं,
पार्टी के मूल्यों पर चलने वाले साथी हैं और निश्चित तौर पर बछवारा जो समाजवादियों का गढ़ रहा है वह आपको कभी भी निराश नहीं करेगा और हमेशा लालू जी के मान को, तेजस्वी जी के कारवां को आगे बढ़ाने में रूपेश जैसे इनके और भी जो साथी हैं वो मर्यादा का पालन करते हुए राजनीति करेंगे। आपका मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने इलाके के नेता की यादों को जिंदा रखा हुआ है, उन पर निश्चित तौर पर पुस्तिका पुस्तक स्मारिका प्रकाशित हो और किसी की याद को जिंदा रखना अगर हो तो लालू जी से हम लोग सीख सकते हैं कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी बीपी मंडल जी से भी बड़े समाजवादी थे। लोहिया और लीमिए के बाद दो बार सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनकी बातें सदन में उनका जो हस्तक्षेप है वो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार ने कैसे कैसे लोगों को देश के मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का एक अवसर दिया। तो हम लोगों के पास प्रेरणा लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों के काम को लालू जी ने जिंदा रखा, उनके नाम पर संस्थान खोल के, और संस्थान निर्माण के बगैर राष्ट्र निर्माण की बात कोई समझ लीजिए कि फूहड़ आदमी ही करेगा, कोई बाचाल ही कर सकता है मौजूदा प्रधानमंत्री की तरह, लेकिन जो संजीदा होगा वो कहीं आरा में वीर कुंवर सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय खोलेगा, कहीं सिद्धो कानो मुर्मू के नाम पर हजारीबाग में खोलेगा, कहीं पर मधेपुरा में बीएन मंडल के नाम पर खोलेगा, कहीं छपरा में जयप्रकाश जी के नाम पर खोलेगा और ये पूरी धारा मजहरुल हक तक चलेगी जिनके नाम पर राबड़ी जी ने खोला। तो हमारे काम गिनाने की आवश्यकता है और 15 वर्ष का जो शासन काल है वो बिहार की धारा को मोड़ने वाला और जिस पर हर इंसान को गर्व